सलामुअलैकुम मित्रों, न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपनो हार्दिक स्वागत छे। आज आपणे केमिस्ट राय सॉलिड स्टेट घन अवस्था में समचतुष्फलकीय अने अष्टफलकीय छिद्रोना स्थान अने गणतरी विषय अभ्यास करीशुं। एकम कोषनी अंदर स्फटिकनी अंदर कई जग्या उपर टेट्राहेड्रल अने ऑक्ट्राहेड्रल होइड आवेला छे तेनी गणतरी अने केटला आवेला छे तेनी गणतरी स्थान जोशु अने गणतरी विषय अभ्यास करीशु। फर्स्ट आपणे लईए चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होइड एना माटेनी वात। मित्रों आपणे आखो स्फटिक जो जोईए तो आखो स्फटिकनी त्रिपरिमाणीय रचना आपणने खबर छे। स्फटिकनी त्रिपरिमाणीय रचना दोरीए तो आ रीते स्फटिकनी त्रिपरिमाणीय रचना जोवा मळे छे। आ स्फटिकनी त्रिपरिमाणीय रचना में आपणे एक जोईए तो सौथी एक आ नानो भाग जे छे ए नाना भाग ने आपणे एकम कोष कहीए छे। एकम कोष यूनिट से आ एकम कोष ने आपणे अलग थी दर्शावी मोटा स्वरूपे तो आम आप लखी सकी अलग थी एकम कोषनी आपणे आकृति दर्शावेली छे। यूनिट सेल संपूर्ण स्फटिकनी अंदर आवा नाना नाना आठ भाग होय। एक एनी पाछळ एक बे बाजूमां बे चार एना उपर बे छ अने एनी बाजूमां बे आठ टोटल आठ एकम कोष आवेला होय छे। आठ एकम कोष थी आ स्फटिकनी रचना थाय। एकम कोषमां आपणे टेट्राहेड्रल होइडना स्थान जोईए तो आ एक सरफेस छे। ए सरफेसमां सामसामे बे परमाणु उपर बे कोर्नर परना परमाणुओने ध्यानमां लेवाना। प्रथम सरफेसना सामसामेना बे परमाणु बीजी पाछळनी सरफेस छे एना विरुद्धना बे परमाणु ध्यान में लेवाना। टोटल वन टू थ्री फोर आ चारे परमाणु ने आ रीते आपणे जोड़ी दीए वन टू एंड थ्री आ रीते एटले त्रिकोण जेवी रचना थशे। अने चौथो परमाणु जे छे ऊपरनी तरफ होय एटले आ रीते आपणे ने जोड़ी दीए आ चौथो परमाणु। तो आखो होइड बन्यो एने चतुष्फलकीय होइड टेट्राहेड्रल होइड तरीके ओळखवामां आवशे। जेनी सिंपल जियोमेट्री आपणे एना बेज लीए तो एना बेज में एक परमाणु अहींया छे बीजो परमाणु त्रीजो परमाणु खूणा पर चौथो परमाणु एक परमाणु वच्चे आ रीतनी ए जियोमेट्री धरावे छे। वन टू थ्री अने फोर्थ जे छे एना उपर टेट्राहेड्रल होइड। एक यूनिट सेल एक एकम कोष बराबर एक टेट्राहेड्रल होइड। तो आखा स्फटिक मां जे छे तो आखा जे छे ए परमाणु नी अंदर टोटल आठ एकम कोष होय माटे वन इंटू एट इज इक्वल टू एट टेट्राहेड्रल होइड जोवा मळे। टेट्राहेड्रल होइड नी संख्या आठ थाय अने दरेक यूनिट सेल एकम कोषना मध्यमां आवेलो होय। त्यारबाद आपणे नेक्स्ट जोईए अष्टफलकीय छिद्रो एना માટેની વાત। મિત્રો સેકન્ડ આપણી પાસે છે અષ્ટફલકીય છિદ્ર। અષ્ટફલકીય છિદ્રોના સ્થાન જોઈએ તો બે પ્રકારમાં બે જગ્યા ઉપર અષ્ટફલકીય છિદ્ર આવેલા હોય છે। નંબર 1 એક સ્થાન તેનું થશે અષ્ટફલકીય છિદ્રનું અંતઃકેન્દ્રિતમાં। અંતઃકેન્દ્રમાં એટલે કે ક્યુબિક સેલના અંદરના ભાગમાં એક સ્થાન ઉપર આવેલા છિદ્રો હશે। સિમ્પલ ક્યુબિકની આપણે જીઓમેટ્રી દોરીએ તો સિમ્પલ ક્યુબિકની જીઓમેટ્રી આ રીતે થશે। અને આપણે ક્યુબના અંતઃકેન્દ્રિતમાં દર્શાવવું છે એટલે ફલક પરના પરમાણુને ધ્યાનમાં લેવા પડે
जो फलक पर परमाणु ने ध्यान में लीए तो टोटल अहिया छ फलक है अपनी पास, एक ऊपर एक नीचे बे, एक सामे नी तरफ त्रण, एक एनाथी विरुद्ध सामे नी तरफ चार, प्लस आ पांचमो परमाणु अने आ छठो परमाणु, टोटल जे छे आ पाछळना फलकना मध्यमा आ आगळना फलकना मध्यमा छ परमाणु आवेला छे। आ छ परमाणु ने आपणे जोड़ी दीए तो आ रीतना जे छे छिद्रनी रचना जोवा मळशे। एक चार आ फलक में परमाणुओं ने जोड़ी दीधा, त्यार बाद आ फलक ना परमाणुओं ने अपने एक आ रीते जोड़िए, अने सेकेंड वन आ रीते, तो एक आपने हूं अष्टफलकीय छिद्र प्राप्त थशे। अष्टफलकीय छिद्र ने मित्रों जो आपणे जोईए तो बे टेट्राहेड्रल छिद्र थी बनेलू छे। आ एक टेट्राहेड्रल होइड एंड सेकेंड आ टेट्राहेड्रल होइड, रिलेशनशिप जोई गई ए मुजब के ऑक्टाहेड्रल होइड अष्टफलकीय छिद्र नी संख्या ए टेट्राहेड्रल होइड करता अर्धी होय, अथवा एक अष्टफलकीय छिद्र होय तो बे चतुष्फलकीय छिद्र हशे। आखो एक अपनी पासे अष्टफलकीय छिद्र छे, एना अंदर जो जोवामां आवे तो बे टेट्राहेड्रल होइड आपणने जोवा मळे छे, एक अने एक आ बे, तो बे टेट्राहेड्रल होइड एक अष्टफलकीय छिद्रमां आवेलुं होय। आनी सिम्पल जियोमेट्री जो लईए तो सिम्पल जियोमेट्री आपणने अभी थसे के एक अष्टफलकीय छिद्र आ रीते आपने जोवा मळे, अने सामे थी आपणे ने आम जोड़ी दी। आ प्रथम स्थान हतुं एनुं अंतःकेन्द्रितमां, एटले के अंतःकेन्द्रितमां आपणने एक मळे छे, कुल छिद्र एक बनशे। मित्रों सेकेंड प्रोसेस आपणे अष्टफलकीय छिद्रोना स्थाननी गणतरी माटे जोईए। स्फटिकमां छिद्रोना बीजा स्थान ए धरी परना बिंदुओ पर छे। एक स्फटिक आपणे लईए छे, एमां आपणे जाणीए छे के 12 धरी परना बिंदुओ आवेला होय, टोटल 12 स्थान धरी पर थशे। आ 12 स्थान द्वारा टोटल केटला छिद्रो बने एना माटेनी वात जोईए। पेला लोकेशन, एक क्रिस्टल नी अंदर आपणे धरी परना बिंदुओ दर्शावेला छे, एक धरी परनुं बिंदु आया छे, आ धरी परनुं बिंदु, आ त्रीजु धरी परनुं बिंदु, त्यारबाद नेक्स्ट अने बीजा बे, टोटल छ परमाणु द्वारा एक अष्टफलकीय छिद्र बने छे, माटे छ लीधा छे। सौप्रथम तेने जोड़ी दीए, आ चार ने आपणे आ रीते जोड्या, त्यारबाद आ बे स्थान ने आ रीते जोड़िए, एक रचना आ बनशे। फरीथी आ रीते जोड़ी सकाय, अने सेकेंड आ समतल ने आना साथे जोड़ी सकाय। आ एक अष्टफलकीय छिद्र क्रिएट थशे, जेना अंदर बे टेट्राहेड्रल होइड प्रेजेंट छे। आ एक टेट्राहेड्रल होइड प्रेजेंट छे, अने एक टेट्राहेड्रल होइड आपणे लईए तो आ टेट्राहेड्रल होइड एना अंदर एक अन्य प्रेजेंट छे, टेट्राहेड्रल होइड आ बे टेट्राहेड्रल होइड। सिम्पल जियोमेट्री आपणे आगळ जोई गया ए मुजब छे, पण मित्रो क्वेश्चन थतो हशे के आ समतलनी बारना बे बिंदुओ शा माटे लीधा, तो एना माटे आपणे आखा क्रिस्टलनी जियोमेट्री नो अभ्यास करवो पड़े। अपनी पास आ क्रिस्टल, आखो क्रिस्टल छे, जेमां आवा असंख्य आखा लेटिस नी अंदर स्फटिक क्रिस्टल नी अंदर दे छे, घणा बधा आवा आवेला छे। एना अंदर आपणे जोईए तो धरी परनो परमाणु एक आपणे डिनोटेड आ करेलो छे, ए धरी परनो परमाणु
एम आगळनो जे क्रिस्टल आपणे लईए तो त्या पण आ धरी पर नो परमाणु थशे कारण के एना उपर आ मध्य में परमाणु आवी गयो एटले सेकंड धरी पर नो परमाणु आ थर्ड धरी पर नो कारण के आना नीचे पण जे क्रिस्टल हशे एटले कोर्नर पर नो परमाणु आ नथी आ बार नो जे समतल नो परमाणु दर्शावेलो छे ए उपरांत आना वच्चे जे आपणे मिडल लाइन दोरीए छे ए मिडल लाइन पण आवेली हशे जे आ मिडल लाइन आपणे धरी पर दोरीए छे तो ए मिडल लाइन ना परमाणु जे छे ए आपणे अहीं दर्शावेला छे અને એ પરમાણુ દ્વારા જે છે એ બનતું એક યુનિટ સેલ અથવા તો બનતું એક જે છે એ છિદ્ર દર્શાવવામાં આવ્યો છે જેનો એક યુનિટ સેલ આયા થશે આનું ધરીનું છિદ્ર આયા થશે માટે આ રીતે બે ટેટ્રાહેડ્રલ હોઇડ બને છે અને બંને ટેટ્રાહેડ્રલ હોઇડને જો ભેગા કરવામાં આવે તો આ ટેટ્રાહેડ્રલ હોઇડથી એક અષ્ટફલકીય હોઇડ ક્રિએટ થશે આ એનું ઓરિજિનલ સ્થાન છે એટલે આપણે એક સ્ફટિક લઈ અને સમતલની બહારના બિંદુઓ કાઉન્ટ કરેલા છે જે આપણે જોયા આ રીતે સમતલની બહાર આવેલા છે આખું આવું સ્ફટિક સૂત્ર ની અંદર ક્રિસ્ટલ ઓક્ટાહેડ્રલ લોકેશન હોય આવેલું હોય હવે જોઈએ એની સંખ્યા સંખ્યા માટે ધરી પર ટોટલ જે છે એ પરમાણુઓની સંખ્યા 12 પ્રત્યેક પરમાણુ દ્વારા રોકાયેલું કદ 1/4 એટલે કે ત્રણ પરમાણુ ત્રણ છિદ્રો થશે ત્રણ ઓક્ટાહેડ્રલ હોઇડ આર પ્રેઝન્ટ કુલ આપણે લઈએ કુલ સંખ્યા તો બે પ્રકારના સ્થાન આપણે જોયા હતા એ સ્થાનમાં આપણે મધ્યમાં અંતઃકેન્દ્રમાં પ્લસ ધરી પર મધ્યમાં આપણે જોઈ એક પરમાણુ છે ધરી ઉપર ત્રણ છિદ્ર છે ટોટલ જે છે ચાર છિદ્ર જોવા મળે અને ચતુષ્ફલકીય છિદ્રની સંખ્યા જોઈ કે આનાથી ડબલ જોવા મળશે અષ્ટફલકીય ચાર ચતુષ્ફલકીય આઠ આઠ ચતુષ્ફલકીય તો અડધા અષ્ટફલકીય છિદ્ર જોવા મળે પ્રેક્ટિસ કરજો આગળ માટે આપણે બંધારણીય સૂત્ર કઈ રીતે સાબિત કરવું એની વાત કરશું વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ